मृणालिनी जी, ये बताएं जरा कि भाई महायुति वाकई एक दबाव में दिख रही है क्या? अजीत पवार कह रहे हैं हम तो सेक्युलर पार्टी हैं, हर जाति और हर धर्म का सम्मान करते हैं, 10% टिकट देंगे मुसलमानों को। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे वोट जिहाद हो गया लोकसभा में, अब चेत जाने का वक्त है। ये दबाव है कि भाई पीडीए चल गया लोकसभा में तो 24 में उसकी काट ये है कि अल्पसंख्यकों को भी पाले में करने की कोशिश। और एक बात पर गौर करना चाहूंगी, नवाब मलिक जी जो अजीत दादा के साथ है, अजीत दादा के विधायक है, उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत पहले एक बहुत ही बड़ा आरोप किया था। वो आरोप ऐसा था कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ में सम्मिलित है और उनका कुर्ला का जो एक जगह है वहां पे अंडरवर्ल्ड की कार्रवाइयां हो रही थी। तो अभी तक नवाब मलिक जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट एनसीपी क्लियर नहीं कर पाया है। उनके लड़की को तो टिकट मिल गया है, सना मलिक जी को। तो ये जो अंदरूनी वारदाते हैं महायुति की भी और महाविकास आघाड़ी की भी, उस पर गौर जताना बहुत आवश्यक है। दूसरी ऐसी बात है कि 85 इसका टोटल होता है, हालांकि मेरा कोई गणित बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 255 इतना ही उसका कैलकुलेशन होता है। तो 255 के बाद की 33 सीट्स जो है वो कहाँ पे जाने वाली है? बड़ी मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आज के विनर है शरद पवार, क्योंकि शिवसेना को भी 100 सीटें चाहिए थी, कांग्रेस को भी 100 सीटें चाहिए थी। शरद पवार जी ने अपना स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रखा था लोकसभा में, कम सीटें लड़के, तो आज क्या दोनों को वो नीचे लाने में बहुत ही अच्छी तरह से कामयाब हो गए हैं, उस पर गौर करना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जहां पे कांग्रेस का बहुत अच्छा काम है, विदर्भ की वो जगह है, भाई नाराज नहीं होंगे, लेकिन शिवसेना में जहां पे काम नहीं है वहां की भी सीटें उनको चाहिए, ऐसा कांग्रेस वालों का कहना है। आज कांग्रेस वालों को ये रवैये को विरोध करते हुए शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी थी, ऐसी भी चर्चा है। तो ये सब जो खींचातानी चालू है, वो खींचातानी अगर मतों में प्रचार में परिवर्तित होती है तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। और जो लड़ाई लोकसभा में बहुत अच्छी तरह से जीती थी वो संकट में आ जाएगी। ठीक है, तो महाविकास आघाड़ी ने इस पे गौर करना आज की डेट में बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और गणित बताइए मृणालिनी जी, महाराष्ट्र का ये जो महायुति सरकार ने फैसले लिए, मदरसों के शिक्षकों से जुड़े हुए फैसले हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक है 12% का, जो कंसोलिडेट हुआ था महाविकास आघाड़ी के हक में, जिस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था कि ये तो वोट जिहाद हो गया, इन सारे फैसलों का असर कुछ दिखेगा महायुति के पक्ष में या फिर ये कोशिश जाया जाएगी? महायुति गरिमा जी बहुत कोशिश कर रही है कि जितने भी वोट निकल गए थे उनको वापस लाने की। हो क्या गया है, जब उन्होंने वोट जिहाद कहा था, मैं धूला जगह का आपको उदाहरण देना चाहूंगी, वहां पे केवल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण कांग्रेस की जीत हुई, इसलिए उन्होंने हिंदू मतों को बटोरने के लिए ये थियरी निकाली है वोट जिहाद की। लेकिन साथ में ही अजीत दादा पवार, जैसा आपने कहा कि हम 10% सीट्स देंगे अल्पसंख्यकों को, तो ये जो महायुति है वो बहुत ही अनूठे तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या चल रही है कि जरांगे जी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, ओबीसी अपने साथ लाए जाएंगे, अजीत पवार अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, शिंदे जी मराठा वोट को लाएंगे। तो चुनाव कोई आसान नहीं बचा है, जो मविया को लग रहा था कि उनके पक्ष में है वैसी स्थिति भी थी, लेकिन लाड़की बहन योजना होगी या मतों का बंटवारा होगा, कोशिश बहुत जारी है। और शायराना अंदाज आज आपके शो में बहुत अच्छा दिखा, तो मैं भी कहती हूँ कि युति युति है टाइट, आघाड़ी है टाइट और महाराष्ट्र में है जबरदस्त फाइट। लेकिन ये मृणालिनी जी, जबरदस्त फाइट है, अल्पसंख्यक किधर जाता हुआ दिखेगा, दलित किधर जाता हुआ दिखेगा? नाहिद ने कहा पीडीए से घबरा गई है महायुति, तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का ये जो कॉम्बिनेशन बना था महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में,
ये अब ओबीसी को लेकर भी जो दुनिया भर की घोषणाएं कर दी महायुति सरकार ने, अल्पसंख्यकों तक पर भी आती हुई दिखी, आउटरीच करती हुई दिखी, असर दिखेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है महाराष्ट्र का जो निकाल रहेगा वो ये दो चीजें ही तय करने वाली है। दलित मत वापस कितने आएंगे बीजेपी के साथ, महायुति के साथ, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। हो क्या गया है कि सब रिजर्वेशन कैसा लागू करना चाहिए, मातंग समाज को उसका बेनिफिट कैसा देना चाहिए, इस पे महायुति ने एक कमिटी बिठा ली है। तो अगर बौद्ध वोट जाता है जो शायद 43% है, तो मांग जो वोट है यानी जो नॉन कन्वर्ट्स है जिन्होंने बुद्धिज्म नहीं स्वीकारा है, ऐसे वोट्स भी मैं मानती हूँ 33% तो पक्का है, वो वोट अपने पास खींचने के लिए महायुति बहुत बड़ी तौर पे प्रयास कर रही है। मुस्लिम वोट्स का हमेशा कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक का मत विनिंग जो हॉर्स रहता है उसके साथ जाते हैं, लेकिन क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? शिवसेना जहाँ पे उबाठा उम्मीदवार खड़ी करेगी, वहां पे अगर MIM का कोई आता है या समाजवादी पार्टी का कोई बगावती चेहरा सामने खड़ा होता है, तो मुस्लिम वोट कहाँ पे जाएगा इस पे भी निकाल निर्भर करेंगे। तो जैसा कि समाजवादी की प्रवक्ता ने कहा, कृष्णा हेगड़े 78 सीटें, ये फाइनलाइज, ये फाइनल आंकड़ा है कृष्णा?